नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनीष फिरजी टेक्निकल में। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से तीन टॉर्च हमने रख रखी है और ये दोस्तों एक दूसरी टॉर्च है, उसके साइड में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें साइड वाला फोकस है और इसमें बिना साइड वाला फोकस आप देख सकते हैं। दोस्तों हमें करना क्या है, इनमें एक भी टॉर्च में जो तीनों टॉर्च रखी है इनमें एक भी मतलब ऐसी बैटरी अंदर की नहीं है, वो तीनों खाली है। क्योंकि दोस्तों कस्टमर के डिमांड के ऊपर हम जैसे हमारे पास एक्टिव नहीं होते हैं तो उनमें से निकाल के फिर हमें ग्राहक को लगाना पड़ता है। अब दोस्तों हमारे पास दूसरी नई टॉर्च है तो दोस्तों इस टाइप की टॉर्च हमारे पास जो ख़त्म हो गई थी तो दोस्तों हम इस टॉर्च का एक्टिव निकाल के इसमें लगा। दोस्तों सेम कंपनी साका कंपनी की दोस्तों टॉर्च हैं, आप देख पा रहे होंगे, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों सेम हैं और दोनों में दोस्तों 4 वोल्ट की जो अंदर का एक्यूम है इस टाइप का एक्यूम जो है वो निकलता है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इस वाले जिसके अंदर जो एक्यूम, क्योंकि इसकी टॉर्च दोस्तों हमारे साथ बहुत ज़्यादा है और इसकी एक टॉर्च नहीं है, तो इसलिए दोस्तों हम इसका एक्यूम इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों कैसे लगाया जाता है तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और जो भी जानकारी आपको बताया जाए ध्यानपूर्वक सुने। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, दोनों टॉर्च को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके दोस्तों हमने इसको ओपन कर लिया। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो एक्यूम लगवाओ उसको दोस्तों हम उसमें सेट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक्यूम को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से अंदर का जो टॉर्च है दोस्तों मैंने बताया था इस टाइप की दोस्तों अंदर की बैटरी निकलेगी, तो उस टाइप की दोस्तों बैटरी अंदर से निकली है। अब हम सोल्डर के माध्यम से इसको अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने। तो देखिए दोस्तों हमने इस एक्यूम को बाहर निकाल लिया है, आप देख पा रहे होंगे इसमें दोस्तों 7 महीने की नई प्रिंट 7/2022 की प्रिंट का है। तो दोस्तों इस वाले को हम उस टॉर्च में हम लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम उस दूसरे टॉर्च को भी खोल लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको बंद कर दिया है, अब इस वाले एक्यूम का उस वाले जो टॉर्च है उसमें दोस्तों लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, जो भी जानकारी आपको बताया जाए ध्यानपूर्वक सुने। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अब दूसरी टॉर्च हम खोलते हैं जिसमें दो एक्यूम लगाना है। तो देखिए दोस्तों अब हमने इस टॉर्च को ओपन कर लिया है तो आप देख पा रहे होंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया था तीनों टॉर्च दोस्तों खाली हैं। इसमें हम दोस्तों ये उस वाली जो बैटरी है 4 वोल्ट की वो इसमें लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको जो रेड कलर का वायर है वो प्लस पे जाएगा और जो ब्लैक कलर का वायर है वो माइनस पॉइंट पे जाएगा। तो दोस्तों हम इसको लगा देते हैं सोल्डरिंग के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें जो मैंने अभी आपको बताया था रेड कलर का वायर हमने प्लस पॉइंट पर लगाया है और जो ब्लैक कलर का वायर वो माइनस पॉइंट पर लगाया है। अब जैसे दोस्तों हमने इस एक्यूम को लगाया आप देख सकते हैं टॉर्च चालू हो चुकी है, मतलब जो भी कनेक्शन हमने किया है जो भी हमने जो तार लगाए हैं वो भी सटीक लगाए हैं। तो दोस्तों आप घर बैठे भी तार लगा सकते हैं। तो अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वीडियो से अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से आप जब भी हम आपके सामने नई वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।